और भाई पोको X2 को एंड्रॉयड 11 की अपडेट मिल ही गई और यही नहीं नेविगेशन बार भी मिल गई और भाई न्यू रीसेंट मेन्यू न्यू एनिमेशन भी मिले हैं। अबे तेरे को क्या हुआ, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? भाई मुझे तो अपडेट ही नहीं मिली। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। तो यार कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये अपडेट अभी तक मिली है या नहीं। और दोस्तों अगर आपको ये अपडेट नहीं मिली है तो हमने एक वीडियो बनाई हुई है, आप आसानी से अपडेट कर पाएंगे विदाउट एनी TWRP रिकवरी और डेटा लॉस, और आपको आगे से भी अपडेट्स मिलती रहेंगी। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, क्या कुछ खास आपको देखने को मिलता है इस अपडेट में, कौन कौन से बग्स मेरे को देखने को मिले हैं और क्या फीचर यहाँ पर आए हैं और कौन कौन से फीचर अभी भी मिसिंग हैं जो नहीं आए हैं। तो वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब। तो दोस्तों पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ अबाउट फोन में। तो ये है MIUI 12.1.2 और यहाँ पर आपको जनवरी का सिक्योरिटी पैच लेवल एंड एंड्रॉयड 11 की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। तो अगर आप यहाँ पर व्हाट्स न्यू में देखते हैं तो यही आपको चेंज लॉग में भी देखने को मिलता है। कुछ ऑप्टिमाइजेशन है जनवरी सिक्योरिटी पैच लेवल एंड एंड्रॉयड 11, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पर बात करें क्या कुछ नया आया है तो यहाँ पर आप देखेंगे यार यहाँ पर जो एनिमेशन है उन्हें थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। तो अगर ओपन करते हैं तो काफ़ी अच्छा एनिमेशन मिलता है, पर जब आप बैक जाते हैं तो आइकॉन एनिमेशन नहीं मिलता, फिर भी थोड़ा सा जो है वो यहाँ पर एनिमेशन चेंज कर दिया गया है। अभी भी पूरा एनिमेशन चेंज नहीं हुए हैं। और दोस्तों अगर आप रीसेंट में जाते हैं तो अब आपको थोड़ा सा डिफरेंट भी यहाँ पर जो है वो एनिमेशन देखने को, काफ़ी स्मूथ है पर कभी कभार जो है वो लैग भी करते हैं, स्टटर आपको देखने को कभी कभार मिलेगी, पर दोस्तों जनरली जो है वो स्मूथ चल रहे हैं। और दोस्तों आपको यहाँ पर नेविगेशन बार नीचे देखने को मिल जाती है। अगर आप सेटिंग्स में जाते हैं तो यहाँ पर एडिशनल सेटिंग्स में जाते हैं तो अब यहाँ पर आपको नेविगेशन बार मिल जाती है। आप इसे ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं यहाँ से, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ऑफ कर दिया। अगर आप ऑन करेंगे तो नेविगेशन बार वापस आ जाती है और आप यहाँ पर जाकर इससे जो है वो आगे पीछे जा सकते हैं, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से थोड़ी सी अभी भी लैगी है, थोड़ी सी यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्टिमाइजेशन इतनी नहीं है। यहाँ पर रैम मैनेजमेंट की ऑप्टिमाइजेशन तो बिल्कुल बेकार हो चुकी है मेरे हिसाब से, पर यहाँ पर आपको नेविगेशन बार अब मिल जाती है। तो बात करें दोस्तों और कुछ क्या नया आया है तो अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो अब आपको यहाँ पर सेलेक्ट एप्स टू मैनेज स्मार्ट होम डिवाइसेस। तो अगर आपके पास मी के बल्ब्स, वाईफाई, कुछ स्मार्ट डिवाइसेस हैं तो आप इनके साथ जो है कनेक्ट कर सकते हैं। और यार मेरे पास तो कोई भी नहीं है तो मैं कुछ नहीं कनेक्ट करने वाला। और दोस्तों यहाँ पर ये जो कंट्रोल सेंटर, अगर आप इसे डाउन करेंगे तो आप ऊपर देखेंगे यहाँ पर जो है वो थोड़ी सी इनकी लेआउट चेंज होती है। तो मेरे हिसाब से ये एक बग है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर थोड़ा सा चेंज होता है। मेरे पास काफ़ी MI के डिवाइसेज है, किसी में कुछ नहीं होता पर इसमें जो है वो थोड़ा सा ऊपर होता है। तो मेरे हिसाब से ये बग है, आने वाली अपडेट में फिक्स हो जाएगा। तो बात करें और कुछ यहाँ पर क्या नया आया है तो दोस्तों बाकी यहाँ पर बिल्कुल सब कुछ सेम है। तो अगर आप यहाँ पर अबाउट फोन में जाते हैं, स्टोरेज में जाते हैं तो यहाँ पर आप देखें, आप में से यार किसी ने मेरे को कमेंट भी किया था कि यहाँ पर ऑडियो, इमेजेस एंड वीडियो जो है वो दोस्तों आपको अब यहाँ पर 0B देखने को सभी जो है वो अदर में चली गई हैं। तो यहाँ पर ये एक जो है वो मेरे हिसाब से कुछ बग पाया गया है, शायद आने वाली अपडेट्स में ये भी ठीक कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर बात करें क्या कुछ नया और आया है तो यहाँ पर अगर आप डिस्प्ले में जाते हैं तो अब आपको यहाँ पर लेआउट जो है वो चेंज कर दी गई है। तो अगर आप यहाँ पर टैप करेंगे तो अब आप जो है वो डार्क मोड में एंटर हो जाएंगे और आप शेड्यूल कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो लाइट मोड में आ जाएंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो चेंज कर दिया गया है और आपको रिफ्रेश रेट आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है। तो मैं तो 120 हर्ट्ज़ पर ही चलाता हूँ, वरना यार सिस्टम काफ़ी लैग करता है 60 हर्ट्ज़ पर। तो यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, बाकी दोस्तों सब कुछ सेम है। नोटिफिकेशन में जाते हैं तो यहाँ पर अब आपको जो है वो कंट्रोल सेंटर यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगर आप यहाँ पर टैप करेंगे तो आपको नॉर्मल MIUI 11 का देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ पर टैप करेंगे तो आपको जो है कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाता है। तो लेआउट जो है वो यहाँ पर चेंज कर दी गई है और आपको एंड्रॉयड और इस तरह की यहाँ पर देखने को मिल जाए। इसको मत लगाए ऑन छेड़िए क्योंकि काफ़ी सिस्टम जो है हैंग करता है, तो नन पे ही रहने दीजिए, वही ठीक ठीक है, बाकी दोस्तों सब यहाँ पर सेम है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। उसके बाद अगर आप नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर कुछ भी नया नहीं है, प्राइवेसी एंड ऑल दैट सब कुछ वैसे का वैसे ही है, ऐप्स में भी सब कुछ वैसे का वैसे ही है। एडिशनल सेटिंग में आपको मैंने दिखा ही दिया है क्या है नया आया है। तो अगर आप यहाँ पर डिजिटल वेलबींग सेम ही है। स्पेशल फीचर में जाते हैं तो वीडियो टूल बॉक्स में भी कुछ भी ज़्यादा चेंजेस नहीं आई हैं, जो पहले था वही अभी मिलता है, और गेम टर्बो में भी बिल्कुल वही है, कुछ भी नया नहीं आया है, बिल्कुल सेम है, कोई भी यहाँ पर आपको वॉइस चेंजर देखने को नहीं मिलता। बाकी दोस्तों ये सब पहले का ही है और यहां पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों बात करें यहां पर कैमरा की, तो अगर आप यहाँ पर कैमरे में जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो में कोई पोर्ट्रेट मोड की वीडियो आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलता है कि आप वीडियो ले सके पोर्ट्रेट मोड में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर आप यहाँ पर जाते हैं व्लॉग मोड में तो अब आपको कुछ नए व्लॉग मोड यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। मेरे हिसाब से 5 नए व्लॉग मोड यहाँ पर आए हैं, तो व्लॉग मोड को काफ़ी अच्छा कर दिया गया है। बाकी दोस्तों कैमरा सब सेम है। क्लोन मोड मेरे हिसाब से तो अभी नहीं आया है, यहाँ पर मैंने अभी नहीं देखा यहाँ पर, तो मेरे हिसाब से क्लोन मोड जो है अभी नहीं आया है। तो ये AI वाटरमार्क आया है, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से अगर आप पिक्चर ले लेंगे उसके बाद आप यहाँ पर टैप करेंगे तो पिक्चर आ जाएगी कुछ इस प्रकार की, यहाँ पर ये जो है लिखा आ जाता है। तो मेरे हिसाब से ये पहले नहीं था, मेरे को याद नहीं है क्योंकि मैं इतना ये जो है वो यूज़ नहीं करता हूँ। पर दोस्तों यहाँ पर ये कुछ चेंजेस आई हैं कैमरे में। और अगर आप यहाँ पर गैलरी में जाते हैं तो यहाँ पर गैलरी में आपको कुछ नए जो है वो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पर जाते हैं एडिट में जाते हैं तो यहाँ पर स्काई में आपको कुछ काफ़ी सारे फिल्टर्स देखने को मिल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फायरवर्क्स का एंड ऑल दैट, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। पर बाकी अभी आउटडेटेड है क्योंकि नई जो गैलरी ऐप है वो काफ़ी आगे है, काफ़ी अच्छे नए फीचर न्यू लेआउट है, पर अभी यहाँ पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर सिस्टम जो है वो आपको स्टटर देखने को मिलेंगे। अगर आप सेटिंग्स में जाते हैं, अगर थोड़ी बहुत ऐप रैम मैनेजमेंट अभी इतनी अच्छी नहीं हुई है, और यहाँ पर अगर आप जाते हैं यहाँ पर टैप करते हैं तो फ्लोटिंग विंडो यहाँ पर नहीं आती है। तो फ्लोटिंग विंडो बिल्कुल या पूरी तरह से यहाँ से रिमूव कर दी गई है। तो अगर आप यहाँ पर सेटिंग्स में हैं आपको ऊपर आना पड़ेगा और फ्लोटिंग विंडो दबाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये भी काम नहीं करता। फ़ोन डायलर में आ जाते हैं तो यहाँ पर आते हैं तो इसको करते हैं तो ये भी यहाँ पर कहता है कि नहीं। क्रोम ब्राउज़र में आ जाते हैं और यहाँ पर करते हैं तो क्रोम ब्राउज़र यहाँ पर ऑन हो जाता है। तो यहाँ पर यार जो है वो बिल्कुल भी मेरे हिसाब से इतना अच्छा नहीं है ये फ्लोटिंग विंडो। तो आगे जाकर देखते हैं क्या होता है, पर अभी के लिए कुछ इस प्रकार का फ्लोटिंग विंडो काम करता है। ऊपर भी फ्लोटिंग विंडो नहीं आया है जैसे कि पहले जो था। ऊपर आ जाते हैं MIUI के, जैसे कि रेडमी के डिवाइसेस में हैं, पर यहाँ पर कुछ भी ऊपर नहीं आता है। तो दोस्तों यार यहाँ पर ये कुछ चेंजेस जो हैं वो आई हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यार ये सारी इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पर पोको X2 MIUI 12.1.2 विद Android 11। तो यार आज के लिए बस इतना ही।